नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में अपन बात करेंगे सुबेक्स की। अपने क्रुशियल सपोर्ट लेवल पर आ चुका है दोस्तों सुबेक्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि 34 का इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पहले आपने देखा होगा स्टॉक जब 34 के नीचे था तो इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, 29, 30 और 34 के लेवल को रेजिस्टेंस बनाया था। जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो अभी नीचे की ओर दोस्तों 34 का काफ़ी क्रुशियल सपोर्ट है। जब तक 34 के ऊपर है तब तक तो 34 के लेवल से ही दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड बदलने की संभावना बनेगी। लेकिन 34 का सपोर्ट टूटा तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है। उसके बाद 30 तक की गिरावट आपको यहाँ से सुबेक्स दिखा सकता है। चाहे तो उस गिरावट के साथ आप 30 के लेवल पर लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, गिरावट में है स्टॉक, तो एकदम से 34 के लेवल पर भी आपको पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसी लेवल से बाउंस बैक हो जाता है और इस रिसेंट हाई को अगर 38 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर आप ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाइए। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों सपोर्ट लेवल पर पोजीशन अवॉइड करनी है। मार्केट भी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो फिर 30 के अराउंड बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी। 30 तक की गिरावट स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर यहाँ से छोटी मोटी रिकवरी आई तो रिकवरी के साथ दोस्तों छोटा मोटा जंप अभी आ सकता है। कल की डेट में भी हो सकता है कि यहाँ से छोटा मोटा जंप अभी सपोर्ट से देखने को मिले, तो आपको 36 तक का जंप यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन इस छोटे मोटे जंप के साथ अभी फिलहाल पोजीशन अवॉइड करनी है। जब तक कि स्टॉक 38 के ऊपर नहीं निकलता तब तक दोस्तों अभी यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा सुबेक्स का।